बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाशा टीवी की जानिब से मैं हूं नोमान पाशा। मेरे कुछ दोस्तों की ये ख्वाहिश है कि मैं जैसे ही वीडियो शुरू करता हूं उसमें कम से कम अपने एरिए का नाम, अपनी गल्ला मंडी का नाम और तारीख जो है वो ज़रूर बताया करूं। तो आज मैं अपने उस भाई के मशवरे पर अमल कर रहा हूं। तो मेरा भाई, आज तारीख़ है 4/11/2023 है और जिस जगह ये खड़ा होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ यह है गल्ला मंडी अलीपुर चट्ठा, तहसील अलीपुर चट्ठा है और ज़िला जो है हमारा ये वज़ीराबाद है। गल्ला मंडी अलीपुर चट्ठा अपने एरिए की एक पॉपुलर गल्ला मंडी है। तो चलें जी, अब बिना वक्त ज़ाया किए सबसे पहले अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे पास सिर्फ दो ही आइटम जो हैं ये ज़्यादा आई हुई हैं, जिनमें कायनात 17, 18, 11, 21 इनके सुपर इंडिया, मजमूई तौर पर एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सुपर इंडिया, ये आप देख भी लें। और उसके अलावा चंद एक ढेरियाँ जो हैं वो सुपर बासमती की आई हुई हैं। लाल छियासी की एक आध ढेरी आई हुई है, उसके अलावा ना कुछ चनाब है ना हाई ब्रेड है, बल्कि मुझे दूसरी आइटम्स के नाम से याद आया, मेरे एक दो व्यूवर्स हैं जो बाकायदगी से मुझे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब आप अल खालत बीज की जो है हमें बताएं। तो भाई अल खालत वैसे तो हमारी मंडी में बिल्कुल भी नहीं आया, एक डेरी 3-4 दिन कब लाई थी 3400 रुपया फ़ी मंथ सेल हुई थी और एक डेरी परसों आई थी जो कि 2500 रुपया फ़ी मंथ सेल हुई थी अल खालत बीज की। क्योंकि अल खालत बीज की ना तो इसके चावलों की कोई पकाई बनती है, पिछले साल भी एक दो लोगों ने इसकी छड़ाई जो है वो करवाई थी लेकिन ये मुकम्मल तौर पर फ्लॉप ही हुआ था। तो ये दो डेरियाँ पूरे सीज़न की अब तक मंडी में आई हैं जो कि 101 जो है वो 3400 रुपया फ़ी मंथ सेल हुई और दूसरी जो है वो 2500 रुपया फ़ी मंथ सेल हुई। तो दोबारा आपको मुंजी दिखाते हैं जी, 17-18 आज मंडी में 17-18 जो है सबसे ज़्यादा जो है यही मुंजी है 17-18। काफ़ी सारी ढेरियाँ जो हैं ये मेरे पास 17-18 की हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, हर किस्म का माल जो है ये मंडी में आया हुआ है, ये भी देख लें। तो ये भी देख लें जी, इसके अलावा ये देख लें, बड़े बड़े कमाल के माल भी हैं जी। तो 17-18 का सबसे पहले आपको रेट बता देते हैं, तो 4500 रुपया फ़ी मंथ से लेकर 5200 रुपया फ़ी मंथ तक आज की मार्केट जो है वो इस वक्त तक जो है चल रही है, 4500 रुपये से लेकर 5200 रुपये तक जो है ये कायनात जो है 17, 18, 11, 21 यानी कि सुपर इंडिया के जितनी भी आइटम्स हैं इनका रेट ये चल रहा है। तो अब आपको दिखाते हैं जी सुपर बासमती। सुपर बासमती का रेट बताने से पहले मैं, मेरे एक दो व्यूवर्स ने मुझे ये भी कहा कि भाई आप हमें एवरेज जो है फ़ी एकड़ की ये ज़रूर बताया करें। तो मेरा भाई, मैंने परसों मेरा ख्याल अपनी वीडियो में एवरेज बताई थी, तो 25 बोरियों से लेकर 65 kg की बोरियों की बात कर रहा हूँ, 25 बोरियों से लेकर 32 बोरियाँ कल मैंने एक ज़िम्मेदार की डेयरी जो है वो तुलवाई थी, तो तकरीबन वो 32 बोरियाँ फ़ी एकड़ जो है उसका झाड़ बना था। तो तकरीबन मैक्सिमम देखा जाए तो 25 से 35 बोरियों के दरमियान जो एवरेज है ये तकरीबन तमाम ज़िम्मेदारों की इस वक्त चल रही है। बासमती आपको दिखाई है, तो बासमती का जो आज का रेट है वो 4700 रुपये से लेकर 4900 रुपया फ़ी मन इस वक्त चल रहा है। बासमती की वैसे आई तो चंद एक ढेरियाँ हैं लेकिन जो अच्छा माल है वो 4700 रुपये से लेकर 4900 रुपया फ़ी मन इस वक्त सेल हो रहा है। लाल छियासी की एक आध छोटी मोटी ढेरियाँ थी वो तकरीबन 4000-4050 रुपये पे सेल हुई हैं, अगर ज़्यादा डेरियाँ होती तो फिर उनका बकायदा आपको रेट बता देता। बकाया सुपरी वगैरह कोई नहीं है, हाईब्रिड नहीं है, चनाब मुंजी भी इवन के आज नहीं आई। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि आज गल्ला मंडी अलीपुर चट्ठा में मुंजी जो है वो मामूल से थोड़ी सी कम है, शायद सीज़न ख़त्म होने वाला है। तो बहरहाल काफ़ी अर्सा हो चुका है जी, तकरीबन 8 अगस्त से मुंजी जो है ये हमारी मंडी में आ रही है, आगे आप खुद हिसाब लगा लें कि काफ़ी अर्सा हो चुका है मुंजी आते हुए। तो जाहिर बात है फसल है, लोग गंदम की बिजाई कर रहे हैं, ये तो मुंजी तो ख़त्म होनी ही है। तो ये थी जी आज की एक छोटी सी काविश, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। उसके अलावा जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पाशा टीवी पर अभी नए आए हैं काइंडली वो इसे सब्सक्राइब कर लें
और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।